गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 8। द चैप्टर नेम इज द फंक्शंस इन C++। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। फंक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन होता क्या है। आज तक हमने जो भी प्रोग्राम क्रिएट किए हैं वो हमेशा हमने एक मेन फंक्शन ही यूज किया है। मेन के अलावा हमने कोई फंक्शन उसमें डिफाइन नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे फंक्शन के थ्रू कैसे हम अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फंक्शन की जरूरत क्यों है, फंक्शन के एडवांटेज क्या है और फंक्शन का यूज लेने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ये है कि फंक्शन होता है क्या, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट यूज टू डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इन द स्मॉल पीसेज। यानी जब कोई बड़ा प्रोग्राम है उसको आप यदि एक साथ उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो, यानी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सोल्व नहीं कर पा रहे, देन हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करेंगे। डिवाइड करके सोल्व करने से वो क्या होगा, वो इजी हो जाएगा। उसमें किसी भी टाइप की कोई भी एरर होगी, कैलकुलेशन से रिलेटेड एरर, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, एल्गोरिथम से रिलेटेड एरर, किसी भी टाइप की कोई भी एरर होगी तो उसको आप इजिली सोल्व कर सकते हो। फंक्शन का एक एडवांटेज ये होगा कि यदि आपका प्रोग्राम है वो बड़ा है, उसकी साइज लार्ज है, तो लार्ज प्रोग्राम डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट, यानी बड़े प्रोग्राम को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं, इससे आपके प्रोग्राम की साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी। प्रोग्राम की साइज रिड्यूस होगी तो एग्जीक्यूशन में भी समय कम लेगा। जब वो प्रोग्राम कंप्यूटर में रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन उसमें समय है, वो टाइम जो लेगा वो उसका टाइम क्या होगा, कम लगेगा, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा फंक्शन का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो अपना मेन प्रोग्राम जो हम बनाते हैं, वो मेन जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, उस मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर हम प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं फंक्शन का। तो वो प्रोटोटाइप क्या करेगा, वो कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द फंक्शन। कंपाइलर को प्रोटोटाइप के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि व्हाट इज द फंक्शन नेम, हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फंक्शन और हाउ टाइप विच टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न। यानी वो फंक्शन का नाम क्या है, वो किस तरह के, यानी कितने प्रकार के वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है और किस तरह की वापस वैल्यू मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। और फंक्शन का यूज हम वहां भी कर सकते हैं, जब सपोज कीजिए आपके प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स आपको बार बार में टाइप करने पड़ रहे हैं, यानी कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट हो रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो यदि आप उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करना नहीं चाहते हैं, देन आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। वो जो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप उस फंक्शन की डेफिनेशन में राइट कर दीजिए। सबसे पहले प्रोग्राम जब हम फंक्शन के थ्रू डिक्लेयर बनाएंगे तो पहले तो क्या होगा, प्रोटोटाइप, उसके बाद आएगा आपका मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद आपके आएगी नीचे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, जो फंक्शन आपने ऊपर डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन के अलावा जो भी फंक्शन का आपने प्रोटोटाइप बनाया है, उन फंक्शंस की डेफिनेशन राइट करनी होती है। तो वो हम वहां पे मेन प्रोग्राम के नीचे हम उसको राइट करेंगे। अब जब भी क्या होगा, उस फंक्शन की हमें जरूरत होगी कि हमें उस फंक्शन को चाहिए, अपने प्रोग्राम में हम उन स्टेटमेंट्स को कॉल करना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे, उस वहां पे मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा, यानी फंक्शन का नाम डाल के उसके आगे ब्रैकेट में बना के सेमीकोलन लगाएंगे, आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब वो फंक्शन कॉल होगा तो आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो मेन प्रोग्राम से उस फंक्शन की डेफिनेशन में जंप करेगा, और जंप करने पर वहां पे जो भी स्टेटमेंट्स है, 5-7 जितने भी आपने स्टेटमेंट डाले, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे और वापस कंट्रोल कहां जाएगा, मेन प्रोग्राम में। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम की साइज रिड्यूस हो जाएगी। अब जब भी आपको उन स्टेटमेंट्स की अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, देन आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर दीजिए, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो वो स्टेटमेंट आपको दोबारा टाइप नहीं करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, प्रोग्राम की साइज वो रिड्यूस हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो ये फंक्शन है। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन है उनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो यूजर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फंक्शन दैट ऑलरेडी स्टोर इन द हेडर फाइल्स। आपके जो प्रोग्राम के अंदर जो हेडर फाइल्स है, फॉर एग्जाम्पल आप जब भी प्रोग्राम बनाते हो तो आप ऊपर हेडिंग लगा दो, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड iostream.h या math.h। इस तरीके से जो .h है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उन सभी की डेफिनेशंस उनके बारे में हेडर फाइल्स में स्टोर होता है, अब स्टोर रहता है। यदि हम उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज करें, देन वो हेडर फाइल हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी।
तो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस है वो सारे के सारे कहां स्टोर है, हेडर फाइल्स में, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेडर फाइल्स के बाद फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग बहुत सिंपल है, जब भी आपको उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है देन सिर्फ आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम टाइप करना है और सेमीकोलन लगा देना है, तो वो फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। काफी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस या जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे सी लैंग्वेज में हमने प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, गेट सी एच आर, क्लियर स्क्रीन, इसी तरीके से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी हम जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, वहां मेलॉक, केलॉक या स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है एस स्ट्रिंग, एस टी आर आर ई वी, एस टी आर सी एम पी, एस टी आर सी पी वाई, इस तरीके से काफी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं जिनका कोई ना कोई टास्क है। और जो भी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, चाहे हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करें, चाहे हम खुद कोई फंक्शन क्रिएट करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करें, तो हर फंक्शन कोई ना कोई एक पर्टिकुलर, एक निश्चित कार्य को कंप्लीट करेगा, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हमने जो बात की, ये जो था ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन था, जो क्या था, बिल्ट इन था, ऑलरेडी अवेलेबल है, हेडर फाइल्स में स्टोर है, जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली और हम उनका अपने प्रोग्राम में टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करें। सेकंड हम बात कर रहे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो क्या करता है, यूजर क्रिएट करता है। कई बार क्या होता है कि अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ फंक्शन हमें, हम मतलब जो लाइब्रेरी में अवेलेबल जो फंक्शन है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हम खुद अपना कोई नया, खुद अपना पर्सनल कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें उसका प्रोटोटाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ही यही हो गया कि ए फंक्शन दैट क्रिएट बाय द यूजर, ए फंक्शन दैट डिफाइंड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यानी कोई ना कोई वो एक पर्टिकुलर टास्क को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा और वो फंक्शन यूजर क्रिएट करेगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और यूजर उसको कॉलिंग भी करेगा मेन फंक्शन से। तो यहां पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स क्या हुए, वो हुए एडवांटेज की बात मैंने, एडवांटेज के बारे में मैंने बीच में बताया था। एडवांटेज यही है सबसे पहला कि एक तो फंक्शन का यूज करने से क्या होगा, प्रोग्राम की साइज रिड्यूस हो जाएगी, साइज रिड्यूस होगी, आपको कम टाइप करना पड़ेगा, इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि ये एक तो मान लीजिए आप बड़ा प्रोग्राम बनाते हो काफी सारी लाइनें, और एक वही प्रोग्राम कुछ कम लाइन में हो जाए, छोटा हो जाए साइज में, तो वो अंडरस्टैंड करने में क्या होगा, इजी रहेगा, आसानी से वो समझ में भी आ जाएगा। एक फायदा ये होगा फंक्शन का यूज करने का, इजी टू फाइंड एरर, यदि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रही है, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है, एरर आ रही है, तो आप उस एरर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्राम रन होगा, अब जहां पे एरर आ रही है उस पर्टिकुलर फंक्शन को ही हम चेक करेंगे, हमें पूरे प्रोग्राम को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एक एडवांटेज ये होगा कि आपका टाइम है वो जो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा था पूरे प्रोग्राम को चेक करने के लिए, वो टाइम भी क्या होगा, अब कम लगेगा, क्योंकि आप उस एक पर्टिकुलर पार्ट को ही चेक करोगे जिसमें एरर है। तो यहां से क्या होगा, आपका प्रोग्राम है उसको आप इजिली, उसमें इजिली एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो, इजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, प्रोग्राम की साइज है वो भी स्मॉल हो जाएगी, प्रोग्राम है वो इजिली रन होगा, फास्टली एग्जीक्यूट होगा, तो इस तरीके से आपके क्या है, इसके एडवांटेज है। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको आपके रियल लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके बड़े भाई की शादी है, तो शादी का जो काम है, जो भी है, वो टास्क हम क्या करते हैं, अपने परिवार में जितने भी अपने खास लोग हैं हम उनमें डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग बंदों को अलग अलग काम दे देते हैं, और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मान लीजिए पिताजी को कर देते हैं। आपके दोस्त है, आप बता दे दो, पिताजी को इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये मेरे दोस्त है और ये पर्टिकुलर वर्क है शादी में, ये देख रहे हैं, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको बोल देना। तो यहाँ क्या है कि हमने पिताजी को इन्फॉर्मेशन बता दी कि ये बंदा है, ये टेंट का देख रहा है, या कोई हलवाई से रिलेटेड वर्क है, या कोई गाड़ियों से रिलेटेड है, या डेकोरेशन से रिलेटेड है, अलग अलग बंदे, तो उनको हमने उनसे मिला दिया। अब क्या होगा, किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी ना, तो पिताजी डायरेक्ट उस बंदे को कॉल कर लेंगे। अब शादी है, बड़ा प्रोग्राम, सारा का सारा काम पिताजी तो अकेले कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, शादी के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग बंदों को काम दे दिया। ऐसा ही हम देखें तो जैसे अपन नॉर्मल शादी में फंक्शंस होते हैं, तो सारे फंक्शन एक दिन में थोड़ी होते हैं, सारे फंक्शन अलग अलग डेज के होते हैं, एक दिन में करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम एक दिन में ज्यादा बर्डन हो जाएगा।
तो हम क्या करें अलग अलग डिवाइड करके करें, एक दिन वो गणेश पूजन है जो भी है शादी के अलग अलग फंक्शंस हम डिवाइड करके सोल्व करते हैं, चार पांच दिन का हो जाता है वो अपने शादी का प्रोग्राम। तो वहां पे भी शादी मतलब बड़ा प्रोग्राम, उसको हमने डिवाइड किया अलग अलग पार्ट में, तो वो क्या होगा इजिली सोल्व हो जाएगा आसानी से। और यदि वही सारा काम एक अकेला बंदा ही सब कुछ करने की सोचेगा तो और एक ही दिन में सब कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम बड़ा है, लार्ज है साइज में, अब वो एक अकेले बंदे से होगा नहीं, होगा तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए क्या कर दिया जाएगा, उसको हम अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। वो जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग जो मॉड्यूल है, वो अलग अलग जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे उसको हम बोलेंगे सब प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? सब प्रोग्राम। और वो सब प्रोग्राम है ना, वो सारे के सारे मेन से कनेक्ट हो गए, मेन फंक्शन से कनेक्ट हो गए, और हर सब प्रोग्राम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेगा। तो ये एक एग्जांपल था रियल लाइफ का, आई होप आपको समझ में आया होगा। और यदि फिर भी यदि कोई आपके इसमें डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।